नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख तय होने के साथ जनप्रतिनिधियों का एक दूसरे पर जुबानी हमला तेज हो गया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार से लेकर मीडिया और आम जनता तक पर हमला बोला। पटवारी ने ट्वीट में लिखा, अब तो विश्वास होने लगा है कि बिकी हुई मीडिया और सोई हुई जनता ही देश की बर्बादी का कारण होती है। काले कानून से किसान परेशान, बेरोजगारी से युवा परेशान, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे इस पर नहीं सरकार का ध्यान। कंगना, सुशांत, रिया, छज्जा चिल्लाना यही है आज की मीडिया की पहचान, कैसे बने मेरा देश महान। प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना संकट काल के बीच पहला चुनाव है। संक्रमण काल के दौरान चुनाव कराने को लेकर तैयारियां हो रही हैं। तो वहीं कोरोना ने चुनावी खर्च भी 2 गुना कर दिया है। एमपी में एक विधानसभा सीट पर चुनाव का खर्चा 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब तक एक सीट पर चुनाव का खर्चा लगभग 50 लाख रुपए हुआ करता था। कोरोना के कारण चुनावी खर्चा लगभग 2 गुना हो गया है। कोरोना संकट से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों के पालन में खर्च बढ़ेगा। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने 29 सितंबर को तारीखों की घोषणा का दिन, मतदान की तारीख 3 नवंबर और मतगणना के दिन 10 नवंबर को मंगलवार पड़ रहा है। कांग्रेस इसे कमलनाथ से जोड़कर उन्हें हनुमान भक्त बताकर प्रमोट कर रही है, जिस पर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हनुमान भक्त तो हम भी हैं, हनुमान भक्त कोई भी हो सकता है। अगर वो इतने ही हनुमान भक्त होते तो अमंगल होता ही क्यों। प्रदेश में मौसम का रंग हर पर बदला हुआ नजर आ रहा है। हल्की ठंड के साथ दिन में उमस बनी हुई है। मध्य प्रदेश से अब तक मॉनसून की विदाई नहीं हुई है। भले ही मॉनसून की विदाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में तय मानी जा रही है, लेकिन 30 सितंबर को मॉनसूनी सीजन का आखिरी दिन है। मॉनसूनी सीजन के आखिरी दिन भी प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसको लेकर कुछ इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सभी बीजेपी नेताओं ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इंदौर में भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे का कहना है कि माधवराव सिंधिया एक सच्चे सेवक थे। भारत में रेलवे का विकास माधवराव सिंधिया की ही देन है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा द्वारा किए गए माल्यार्पण को दोहरा चरित्र बताया है। कांग्रेस नेता राकेश यादव का कहना है कि माधवराव सिंधिया की नीतियों का विरोध करने वाले आज लाइन लगाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित विधायक रामबाई ने खुद की पार्टी को किंग मेकर बताया। उन्होंने दावा किया, हमारी सीटें आई तो हम सरकार बनाएंगे। दमोह जिले की पतरिया से विधायक रामबाई ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अतिथि विद्वानों पर भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की झूठ की राजनीति कर रही है। इससे पार्टी और रामबाई खुद नाराज है। जबकि कर्ज माफी पर विधायक रामबाई ने कहा कि वह झूठ नहीं बोल सकती कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता हमारी नीति और नियत जानती है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार गिराकर उपचुनाव होगा। हमने 15 महीने की सरकार में ही अपनी नीयत का परिचय दिया है। मिलावट और माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, गौशालाएं बनवाई, लाखों किसानों का कर्ज माफ किया। वे बोले, मैं कमलनाथ हूं, शिवराज नहीं। 15 साल का हिसाब नहीं देते, 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। इसलिए आप आम लोगों के बीच सीना तान कर जाएं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा भी 2-3 दिन में 28 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ज्वारा, आगर और ब्यावरा सीटों को छोड़कर बाकी 25 सीटों पर वही नेता संभावित उम्मीदवार हैं जो विधायकी के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ज्वारा में सुबेदार सिंह सिकरवार और आगर में पूर्व सांसद मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद बेटी बंटी ऊंटवाल का नाम तकरीबन है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने पीएम से
485 करोड़ रुपए के राज्य इमरजेंसी फंड को कोरोना संप्रबंधन में खर्च की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मध्य प्रदेश के लिए 3,646 करोड़ की सहायता राशि मांगी है। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे मुलाकात चली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। रेलवे ने अक्टूबर में 200 और स्पेशल ट्रेनें को चलाए जाने की मंजूरी विभिन्न रेल मंडलों और जोन के प्रस्तावों पर दे दी है। इनमें से 11 जोड़ी ट्रेनें भोपाल में हॉल्ट करेगी। रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी जाएगी। संभवतः इनका संचालन अक्टूबर के पहले सप्ताह में किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड ने भोपाल मंडल से शुरू व गुजरने वाली 3 और स्पेशल ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। इनमें दुर्ग भोपाल, दुर्ग अमरकंटक स्पेशल, जबलपुर सोमनाथ, जबलपुर वाया बीना व इटारसी और जबलपुर राजकोट, जबलपुर गरीब रथ स्पेशल वाया इटारसी शामिल है। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। ठीक होने वाले मरीजों में बुजुर्गों की संख्या भी अधिक है। मंगलवार को अरबिंदो मेडिकल कॉलेज से अंजनी नगर निवासी 85 वर्षीय मनोरमा जैन स्वस्थ होकर घर लौटी। अस्पताल के सीओओ राजीव सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को इन्हें भर्ती किया गया था। 28 सितंबर को ही इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। परिजनों के कल नहीं पहुंचने पर इन्हें मंगलवार को डिस्चार्ज किया गया है। मंगलवार को ही 41 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। कांग्रेस सरकार कहती थी कि खजाना खाली है, पैसे नहीं है, अब चिंता मत करो, अब भरपूर पैसा देंगे। चंबल का पानी अगर मुरैना की जनता नहीं पिएगी तो प्रदेश की सरकार का सत्ता में रहना बेकार है। इसलिए हमने उपचुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट के लिए 287 करोड़ की राशि स्वीकृत की। हो सकता है कि जब तक प्रोजेक्ट पूरा हो यह राशि और बढ़ जाए, लेकिन हम इसका इंतजाम करेंगे। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को रेस्ट हाउस परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में कही। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। आवर फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग को और मजबूत करने के साथ उसमें राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के जैसे प्रावधान शामिल करने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब आयोग के कार्य और शक्तियां बढ़ जाएंगी। कैबिनेट ने एक तरफ ओबीसी आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी, वहीं दूसरी ओर उपचुनाव को देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ने गुर्जरों के हित में काम करने के लिए देव नारायण बोर्ड का भी गठन कर दिया। चंबल और ग्वालियर में गुर्जरों की संख्या ज्यादा है। बोर्ड के गठन से भाजपा सरकार चुनाव में इसका लाभ उठा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार 2017 के पहले के वेट एक्ट के तहत चल रहे टैक्स विवादों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लेकर आई है। यह योजना 26 दिसंबर 20 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार के अनुसार करीब 4000 करोड़ रुपए के वेट के विवाद इस समय ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। इसका फायदा मध्य प्रदेश के 1,05,000 वेट के डीलर को मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रारंभिक तौर पर इससे 100 करोड़ रुपए की राशि मिलने का अनुमान लगाया है। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आदेश जारी किए हैं कि छात्रा के वे 26,60,000 रुपए लौटाए जाए जो पैथोलॉजी में पीजी करवाने के नाम पर वसूल किए गए हैं। कॉलेज प्रबंधन ने पैथोलॉजी में एडमिशन नहीं होने की बात छात्रा से छुपाए रखी। साल भर पढ़ाई करने के बाद पता चला कि पैथोलॉजी में एडमिशन दिया ही नहीं है। छात्रा उपमा श्री ने अधिवक्ता आदित्य संघी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नलखेड़ा में जैन मंदिर के समीप दुकानों की खुदाई के दौरान मुगल कालीन व सिंधिया कालीन चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों को मंदिर समिति सदस्यों ने पुलिस सुपुर्दगी में दिए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को 3 दुकानों की खुदाई के दौरान एक मिट्टी के घड़े में रखे चांदी व तांबे के सिक्के निकले। ग्रामीणों के अनुसार कुछ साल पहले बड़ा गांव में ही संप्रा परिवार के लोगों की दुकानें थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। आवर फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620।